आवाज आ रही है? अभी ऐसा आवाज आ रही है बेटा? अगर आवाज आ रही है, कैन सेंड इन द फीडबैक इन द व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, सुभित, पायल, सुभित स्विच ऑन योर कैमरा. पायल, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ ग्रुप 18. सुभित, इज देयर एनी प्रॉब्लम टू यू टू स्विच ऑन योर कैमरा? एंड अगर नेटवर्क सही है तो कैमरे ऑन कर लेना. स्टार्ट, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन पी ब्लॉक एलिमेंट. और मेरा वाला पॉइंट को पिन पॉइंट कर लो, ठीक है ना? पिन पॉइंट कर लेने से ज्यादा अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, बट पी ब्लॉक एलिमेंट आई ऑलरेडी टोल्ड दैट दिस इज गोइंग टू बी यू नो मोर देन 8 to 9 मार्क्स. दिस इज गोइंग टू बी 8 to 9 मार्क्स. व्हाई? बिकॉज मेटलर्जी आपकी इसमें से हटा दी गई, तो मेटलर्जी वाला जो मार्क्स होगा ये कहीं ना कहीं इसमें ऐड ऑन होगा. पी ब्लॉक एलिमेंट पहले से 7 मार्क्स था, लेकिन गोइंग टू बी लिटिल मोर देन दैट. इट्स क्लियर टू एवरीवन? मार्क्स के हिसाब से ये सबसे बड़ा चैप्टर हमारा बनने वाला है, सबसे इजी चैप्टर है. कोई न्यूमेरिकल नहीं, पूरी पूरी थियरी है इसमें. अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे पहले हमें इसको रिवर्स में पढ़ना शुरू. ग्रुप 18, ग्रुप 18 सबसे इजी होगा. ग्रुप 18 की बात करेंगे तो ग्रुप 18 बहुत इजी है. ग्रुप 18 हमें पहले से मालूम है. ग्रुप 18 को हम क्या बोलते हैं बेटा? नोबल गैस एलिमेंट्स. क्या बोलते हैं? नोबल गैस एलिमेंट्स. नोबल गैस एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो दे आर बेसिकली हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड नेगॉन. बट हीलियम, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला एलिमेंट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन है, नेगॉन. सुमित, सारे एलिमेंट आ गए. एक और एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर होगा 118, लेकिन वो बेसिकली रिसेंट ईयर में डिस्कवर हुआ, उसका एटॉमिक नंबर होता है 118. All these elements, all these elements are known as noble gas elements, is it? इनको हम noble gas elements के नाम से जानते हैं. Noble gas element. It is also known as inert gas element. Inert gas element. तो what the question is that? Why? ये question आता है जैसे why the group 18 is known as, you know, नोबल गैस एलिमेंट और इनर्ट गैस एलिमेंट. सो विद कोई डाउट? ग्रुप 18 एलिमेंट अलग है, इनर्ट गैस एलिमेंट हम क्यों बोलते हैं? ये अलग से क्वेश्चन आता है. तो आपको बोलना है इसका एटॉमिक नंबर 2 है. इसके बाद एटॉमिक नंबर में मैजिक नंबर जोड़ो 8 10. 10 प्लस 8 बेटा कितना आ जाएगा? 18. 18 प्लस 18 जोड़ो 36. 36 प्लस 18 ऐड करना 54. 54 प्लस 32, 86, 86 प्लस 32, 118. तो पहले हमें एलिमेंट्स का नाम याद होना चाहिए. बट इट लेटर आर वन यू हैव टू सी द आर्ट. इसकी पोयम है, बहुत ही सिंपल पोयम है. रिक्वेस्ट नंबर 8, हर भजन ने अगर कर को 0 रन पर आउट किया. हर भजन ने अगर कर को 0 रन पर आउट किया. यहां से लिख लो, हर भजन ने, हर भजन यू नो तो बॉलर क्रिकेटर कह सकते हो. हरभजन नहीं को नहीं रहने दो. अगर कर ही जानते क्रिकेटर. अगर कर को जस्ट मेक अ सेंटेंस. जीरो पर इतना एक्सीआर हो, 0 रन पर आउट किया. 0 रन पर आउट किया. आउट को ऐसे ओ यू यू टी ऐसे पढ़ लो. सुमित, कोई डाउट यहां तक? एस एनीवन? हर भजन ने अगर कर को 0 रन पर आउट किया. लास्ट में क्या लिखा है? ओके, एस कैन यू टेल द ऑल द नेम ऑफ द नोबल गैस एलिमेंट वेरी क्विक. हर भजन ने अगर कर को 0 रन पर आउट किया, ये पूरे एलिमेंट्स का नाम याद हो गया. सुबित सारे एलिमेंट्स का नाम बताओ बेटा. सुबित याद हो गया? लास्ट वाला क्या लिखा है? लास्ट वाला याद हो गया? सारे एलिमेंट्स का नाम बताओ बेटा.
सभी सारे एलिमेंट्स का नाम याद है? लास्ट वाला क्या लिखा है? ओके, पायल, तुम्हें पायल बहुत याद ही होगा। नेहा नेहा, कैपिटल ऑफ द रेन। हीलियम यान आर्गन क्रिप्टन जिनान रेडार, है ना? एस, आवाज आ रही है आपको? चलो, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एस योर माइक इज नॉट वर्किंग, यू नो, आई डोंट नो एग्जैक्टली। इसके बाद हमें क्या करना है, इनके कॉन्फिगरेशन सबसे पहले आता है कि अगर हम नोबल गैस की बात करते हैं तो वाई दे आर इन इनर्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि ना नोबल गैस, नोबल गैस में अगर हीलियम की बात करते हैं तो स्पेक्ट आपके नंबर 2 कॉन्फिगरेशन होगा 1s2। सेकंड एलिमेंट अगर बात करें बेटा तो यहां जैसे टॉपिक नंबर स्टेट का कॉन्फिगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 2p6 होने से क्या होगा, फुल्ली फिल्ड हो गया सीधा कंफर्मेशन हुआ, ऑल आर यू नो गेट मैरिड। 1s2 क्यों स्टेबल है? अगर हम नोबल गैस में हीलियम की बात करें तो हीलियम क्यों स्टेबल, तो आपको बोलोगे कि अगर कोई हीलियम इज वेरी टाइनी एटम, इट हैज ओनली के सेल, और के सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो वो तो उसकी लिमिटेशन है। हीलियम के पास अगर बात करने की मिलता तो इसके पास तो केवल के ही सेल होगा, और के सेल की मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की, दैट इज ऑलरेडी देयर। तो जिसकी जितने नीड थी वो फुलफिल हो चुकी है, कहता हमें इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। और ये इलेक्ट्रॉन हमारे कैसे बेटा, पेयर्ड है। कैसे इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है। पेयर्ड होने पे जिसके इट इज गोइंग टू मोर स्टेबल, दैट इज व्हाई हीलियम इज, हीलियम की आयन एनथैल्पी बहुत हाई रहती है। अगर हम नियॉन की बात करें तो दिस इज दैट दिस 2+6 यानी 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब है बेटा कंप्लीट ऑक्टेट, एक इलेक्ट्रॉन का क्या बोलते हैं, कंप्लीट ऑक्टेट। इसको क्या बोलते हैं, डुप्लेट, डुप्लेट। और एक हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है, रेस्ट ऑल अदर एलिमेंट्स आर बीइंग कंप्लीट ऑक्टेट, ऑल अदर एलिमेंट्स आर बीइंग कंप्लीट ऑक्टेट, दैट इज व्हाई यू नो दिस ऑल आर स्टेबल। वंस यू गो विद द नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज आर्गन, सेम प्रिंसिपल है कि व्हाई दिस एलिमेंट डू नॉट मेक एनी कंपाउंड, ये सारे एलिमेंट तो कंपाउंड बनाते हैं 2.8.8, इसका भी बेटा क्या होगा, कंप्लीट ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट का मतलब NS2NP6, NS S आउटर मोस्ट सबशेल की S सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड P सबशेल देयर इज 6 इलेक्ट्रॉन, यू नो इट इज फुल्ली फिल्ड, इट इज फुल्ली फिल्ड, मोस्ट स्टेबल कॉन्फिगरेशन, दैट इज व्हाई दे हैव आइदर नो आइदर यू नो नो टेंडेंसी टू मेक बॉन्ड, ये बॉन्ड नहीं बनाना चाहते, दैट इज व्हाई वी यूज टू टेल देम इनर्ट गैस एलिमेंट और नोबल गैस एलिमेंट, रेस्ट ऑल द एलिमेंट हैज टेंडेंसी टू अचीव द नोबल गैस लाइक कॉन्फिगरेशन। जैसे हम लोग के लाइफ में रहता है वी कैन गेट द मनी लाइक यू नो मनी, है ना, टाटा बिरला जैसा पैसा हो जाए तो मनी भी नीड्स पूरी हो जाएगी, व्हाट इफ वास नोबल गैस एलिमेंट्स हमारे स्टेबल होते हैं, दे आर यू नो नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद एनीवन क्योंकि अपने आप सेल्फ स्टेबल है। तो जो लोग मोह माया से दूर है वो लोग कोई रिएक्शन नहीं करता, है ना, लाइक सेंट्स नंस वो लोग शादी नहीं करता, मैरिज नहीं करता, दे आर स्टेबल इनम। तो इसी तरीके से नोबल गैस की जो नीड है वो कंप्लीट हो चुकी है, दे आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट्स, दैट हम इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, इनर्ट गैस एलिमेंट बोल सकते हैं। इनर्ट होने का ये मतलब नहीं होता कि नॉन रिएक्टिव, वेरी लीस्ट रिएक्टिव। After this helium ion argon की बात करें तो their emission enthalpy is very 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 high, तो they do still never make any compound। लेकिन इसके बाद अगर बेटा elements की बात करते हैं, we have krypton, we have xenon, we have radon, ये सारे के सारे compound elements हमारे they make compounds, they make compound with the fluorine and oxygen। After the argon, krypton, xenon, radon, सारे के सारे elements हमारे most electronegative element like you know like your oxygen or chlorine they have a tendency to make the bond, unki tendency bond banane ke liye rehti hai, isliye hum noble gas compound ki baat karte hain, noble gas compound, kyunki in previous classes to hame malum nahi tha ki noble gases hamare compound banate hain, got it। ab is pe jo pehli query aayegi ek to yahan tak aati hai why the noble gas element exists in the single atom form, monoatomic kyun rehte hain, तो आपको पहला बोल देना कि सिंस ऑल नोबल गैस एलिमेंट हैव स्टेबल कॉन्फिगरेशन,
सो दैट दे हैव नो टेंडेंसी टू मेक एनी अदर कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड बनाते ही, सो दे कैन एग्जिस्ट इन अ प्री एग्जिस्ट कर सकते हैं. इसके बाद क्वेश्चन आता है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड, व्हाट डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड. एंड जितना मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इतना कर देते हो तो आपका फुल में फुल नंबर आ जाएगा. व्हाट इंस्पायर्ड हिम टू डू सो, व्हाट इंस्पायर्ड हिम टू डू सो, ये क्वेश्चन है. एनीवन गिव द रिप्लाई क्विकली, एनीवन हु कैन गिव द रिप्लाई, दिस इज योर टाइम. गया तूफान आ गया, चलो लेट्स स्टार्ट. यू नो द फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड इसका आंसर लिखना बेटा. इट वाज डिस्कवर्ड बाय नील बर्टलेट, या एन बर्टलेट लिख दोगे तब भी चलेगा. एन बर्टलेट, तो मैंने क्वेश्चन सेंड कर दिया था आपको. वेरी गुड, एन बर्टलेट ने किया था. एंड व्हाट इंस्पायर्ड हिम, माइंड, व्हाट इंस्पायर्ड हिम टू डू सो, व्हाट इंस्पायर्ड हिम, व्हाट इंस्पायर्ड हिम की अगर बात करते तो माइंड सीट ऑन द स्टडी टेबल बेटा. व्हाट इंस्पायर्ड टू डू सेम, तो हमें क्या बोल रहे हैं जी, ही डिड यू नो ही वाज डूइंग द रिएक्शंस, ऑक्सीजन गैस ओ2 मॉलिक्यूल का उन्होंने PPF6 क्वार्टेशन का काम उन्होंने ऐसे करते हैं. डाई ऑक्सीजन जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर होती है उसका रिएक्शन उन्होंने किससे कराया था, प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड से. एंड ही वाज यू नो एस्टोनिश्ड दैट कि दोनों ने आपस में कॉम्बिनेशन कर लिया, जबकि O2 मॉलिक्यूल अपने आप में स्टेबल होता है बेटा. O2 पॉजिटिव हो गया, PPF6 नेगेटिव हो गया. दिस इज लाइक योर फर्स्ट फर्स्ट यू नो क्लिक. डाई ऑक्सीजन हमारी जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है आप उसमें देखोगे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, दोनों का आपके कॉम्प्लीट होता है. इज इट, दोनों के ऑक्टेट हमारे कंप्लीट है. दैट कि जो बेसिकली व्हाट इज द फर्स्ट एनर्जन थैल्पी ऑफ जो O2 मॉलिक्यूल का होता है, O2 से जब O2 पॉजिटिव जाता है तो वहाँ एनर्जी की जो नीड होती है वो ज़्यादा थी, और जो नोबल गैस कंपाउंड में जिनान है उसकी एनर्जन थैल्पी क्या कम है. देन ही थॉट दैट कि चलो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को जिनान से क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं. और ही वॉज बेसिकली गॉट यू नो द न्यू कंपाउंड दैट द हिस्टोरिकल इवेंट. यू नो इसके पहले तो कोई बिलीव भी नहीं करता था कि नोबल गैसेस इज गोइंग टू बी रिएक्ट टू एनीवन. दिस वाज द यू नो यू टर्न इन द केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैस कंपाउंड. फर्स्ट ऑफ ऑल ही डिड द रिएक्शन ऑफ O2 गैस विद द PPF6, ही गॉट सक्सेस. देन आफ्टर ही सॉ दैट कि O2 मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन रिलीज रीच करने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ज्यादा है, अगर हम उसके प्लेस पे क्या डाल दें बेटा, इफ वी यूज जिनान गैस का यूज कर सकते हैं, जिनान गैस, देन ये हमारे लिए बेटर होगा. दैट इज यू नो मोर बेटर, व्हाट इट. एबीसी के नाम से कौन आया, ये भी अपना यहां तक हमने बता दिया. फिर ये उन्होंने क्या किया कि आपको मैंने तो बताया कि ये डेट दई नो ऑक्सीजन गैस का लाइटर की जगह उन्होंने जिनान का यूज किया. दिस वाज द जिनान प्लस पीपी PPF6. And you got success to make the first noble gas compound Fe positive, PPF6 negative. This was the solid. This was the first noble gas compound. This was the first noble gas compound. First noble gas compound. Is compound ka naam hoga Xenon Platinum Hexafluoride. Xenon Platinum Hexafluoride. Xenon Platinum Hexafluoride. Xenon Platinum. जिनान इज देयर, प्लैटिनम इज देयर, जिनान प्लैटिनम हेक्सा क्लोराइड, दिस इज द सॉलिड. और यहां से रिकॉर्ड द सेम इवेंट इन रिकॉर्ड द नोबल प्राइज इवेंट. यही से हमें पता लगा है कि नोबल गैसेस हमारी कंपाउंड बना सकती है. इसके पहले हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था कि नोबल गैसेस हमारी कंपाउंड बनाती है. स्टेटमेंट क्या होगा, फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड किसने डिस्कवर किया, एन बर्टलेट, व्हाट इट.
फिर ये सेकंड आएगा कि हाउ ही गॉट इंस्पायर्ड, तो अभी विल से दैट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, डायटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ज्यादा है, ज्यादा अंदर से अगर वैल्यू आए चलोगे तो इसकी 1175 किलो जूल पर मोल होती है बेटा, और जीनान की जो होती है 1170 किलो जूल पर मोल। अगर आपके पास एनसीईआरटी है, यू कैन सी ऑन द एनसीईआरटी, इज इट एनसीईआरटी में गिवन है, आप वहां से भी देख सकते हो। अब ध्यान से सारे पॉइंट्स का नोट करो, लास्ट में हम लोग 5 मिनट का क्विज करेंगे। लेट्स होप टू कैन यू नो रिप्लाई मैक्सिमम। फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड एंड बाटले, हाउ ही गॉट डिस्कवर्ड, तो हम बोलेंगे फर्स्ट इवेंट में ही डिड द रिएक्शन ऑफ डाई ऑक्सीजन, हमारी जो एटमॉस्फेयर की एयर होती है, ही डिड द रिएक्शन विद द प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड। प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड एक फ्लोरीनेटिंग एजेंट होता है, जब उसका उन्होंने रिएक्शन कराई एक सॉलिड कंपाउंड बनके तैयार हो गया। ही वाज सरप्राइज कि मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, दोज की एडिशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा थी, वो टू मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड है तो स्टेबल है, लेकिन वो रिएक्शन कर लिया। देन ही चेक द डाटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी उन्होंने जीनान की देखी तो उससे कम थी, एंड ही जस्ट सिंपली रिप्लेस ऑक्सीजन गैस सिलेंडर विद द जीनान। मुझे लग रहा है स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी, इस पे क्वेश्चन आता है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, दो चीज होता है, एक तो प्रिपरेशन आती है जीनान क्लोराइड्स की, प्रॉपर्टीज आती है, उसके बाद केवल जीनान के क्लोराइड्स पढ़ने हैं। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, और तुम्हें 2 से 3 नंबर, मिनिमम 3 नंबर तुम्हें दे सकता है अपना चैप्टर ये टॉपिक मॉलिक्यूलर पैटर्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद आएगा कि राइट राइट द, ये आने वाला क्वेश्चन है 21 में, आप इसको लिख सकते हो, राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जीनान डाई क्लोराइड, प्रिपरेशन ऑफ XeF2 कॉमा XeF4 कॉमा XeF6 XeF2 XeF4 एंड XeF6 वाली, इन सारे का प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। कोई अब इसके लिए इसे कितने आसान आप देख सकते हो, फॉर्मूले को ध्यान से देखना है, मेरे पास जीनान है, मेरे पास क्लोरीन है, तो ये बहुत ही सिंपल है, दो क्लोरीन के लिए तो ले लो, यहाँ बन जाएगा सिंपली XeF2 हो गया, ये तो फर्स्ट केस, Xe+F2 इक्वल टू XeF2। सेकेंड केस बेटा क्या होगा, Xe+2F2 इक्वल टू XeF4। वेरी इजी, ऑल आर आई एन कंपाउंड, दिस वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, ऑल आर आई एन कंपाउंड इन ऑल आर सॉलिड, ये भी गैस, एरियल ये भी गैस था बेटा, ये भी गैस थे, ये भी गैस, राइट हैंड साइड सॉलिड, और सॉलिड के साथ साथ कैसा सॉलिड है बेटा, ये इज गोइंग टू बी आयनिक, आयनिक सॉलिड के फॉर्म में, द सॉलिड फॉर्म, Xe+3F2 ले लो, मैथ लगानी है, 6 क्लोरीन चाहिए तो 3F2 ले लेना, 4 फ्लोरिंग चाहिए तो 2F2 ले लो, और 2 फ्लोरिंग चाहिए तो ओनली F2 ले लो, कितना आसान सा है, इससे ज्यादा तो ये कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3, चलो इसको मेमोराइज करो फटाफट, Xe के साथ 2 फ्लोरिंग डाला तो डाई डाई फ्लोराइड बनेगा, 4 डाल दो टेट्राफ्लोराइड, 6 डाल दो हेक्साफ्लोराइड, Xe+F2 XeF2 Xe+2F2 XeF4 Xe+3F2 XeF6 ठीक है ना, तो ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमें प्रेशर याद करके रखना है, प्रेशर यहाँ पे लिखना था 1770, वेरी इजी टू रिमेंबर द प्रेशर आल्सो 1770। अब कौन बताएगा, नेहा बताएगी, फर्स्ट केस में टेम्परेचर कितना है बोलो बेटा, 573 केल्विन, सेकंड में यहां जल्दी बोलो, आइदर एस कैन यू टेल द टेम्परेचर को क्लिक, लास्ट वन में टेम्परेचर कितना था 673, तो 1770 ऐसे याद करना सीक्वेंस में, 1770 प्रेशर हो जाएगा, टेम्परेचर होगा 586, 573, 873 एंड 673, ये हमारा इसका कॉम्बिनेशन है। तो अलग फिर नोट इट क्विकली और इसको याद करिए, सुमित Xe+F2 XeF2 वेरी गुड, Xe+ उसके Xe+2F2 XeF4 हाँ
नेक्स्ट। Xc plus 3F2 XcF6। चलो बस इतना अगर हमें मैथ के तरीके से याद करना है कि दो फ्लोरीन होगी तो डाई फ्लोराइड बनाएगा भैया, चार होगी तो टेट्रा फ्लोराइड बनाएगा, सिक्स होगी तो एक्सा फ्लोराइड बनाएगा, ये तो मैथ है। अब अगर बोलोगे सर कंडीशन कैसे याद करेंगे, तो मैंने आपको तरीका सिखाया 1770। अगर ये तीनों एक साथ लिख लो, तीनों को एक बार भी याद करना, सिक्वेंस याद कर लो, पहले वाले में 1 बार, सेकेंड वाले में 7 बार, फिर 70 बार, है ना। शादी करते तो कितने फेरे लेते, 7 फेरे लेते ना, तुम 70 टाइम ले लेना, है ना सुमित। तो 1770 सात फेरे ले गया तो 7 जन्मों तक साथ निभाएगा, एक फेरा लिया तो एक साल, 7 फेरे लिया तो 7 जन्मों तक, 70 फेरे लिया 70 जन्मों तक साथ निभाना है, ऐसे याद कर लो 1770। और ये टॉपिक मैंने बोला कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके बाद जो एकदम से मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसकी हाइड्रोलाइसिस जो आपके पेपर में आई हुई थी, आप अगर ध्यान देना तो दरवाजा क्वेश्चन आ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है बेटा, हाइड्रो मींस वाटर, लाइसिस का मतलब तोड़ देना, हाइड्रोलाइसिस ऑफ जीनॉन फ्लोराइड, जीनॉन फ्लोराइड की हाइड्रोलाइसिस करनी है, मतलब क्या करना होगा, जीनॉन के फ्लोराइड को ले जाके पानी में डुबो देना है, है ना, शावर चला दो और जीनॉन फ्लोराइड को बैठा दो कि भैया आप आराम से नहा के आओ, तभी ये कर लेते स्टार्ट। अब अगर हमारे पास यहां पे मान सकते हैं आप कितना बेटा, अगर जीनॉन का मान हो ये डाई फ्लोराइड है प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर है, तो ये बात दिमाग में रखना प्लस 2 से हमेशा जीरो में जाता है, अभी तक इसने केवल 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, ये प्लस 2 से डायरेक्टली कहां जाता है, जीनॉन में चला जाता है, इसका रिएक्शन हमारा होगा किसके साथ, पानी को देख के दुखी हो जाता है, इनके बीच में तलाक हो जाता है, ऐसे मान लो, है ना। तो यहां की जो फ्लोरीन है यहां जाके इसके हैंडसम हाइड्रोजन से दोस्ती कर लेगी, है ना, किसके साथ जाएगी दोस्ती करने, हैंडसम हाइड्रोजन से बोलेगी कि आई एम मोर ब्यूटीफुल दैन ऑक्सीजन, इज इट, आई एम मोर ब्यूटीफुल दैन ऑक्सीजन, मैं बोलूंगी ये फ्लोरीन बोलेगी कि मैं ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, आई विल यू मैरी विद मी, बोले यस व्हाई नॉट, यहां पर भी देखो तलाक करा दिया इसने, व्हाट इट, इस केस में क्या हुआ, जिनान यहां पे बन जाता है, जिनान के प्लस 2 से जाता है, इसका खुद का क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है, ये क्वेश्चन वैसे मैंने बोला नीट में ऐसे कंपटीशन पूछता है। अब यहां पे देखोगे तो दोनों हैंडसम हाइड्रोजन क्लोरीन की दोस्ती हो जाएगी, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2H, और ये एक तरीका है जिसमें हम ऑक्सीजन गैस निकाल सकते हैं, क्लोरीन जब भी वाटर के साथ पंगा लेती है तो उसके घर से ऑक्सीजन का तलाक करवा देती है, क्योंकि क्लोरीन इज मोर ब्यूटीफुल दैन दैन ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन वाले चैप्टर में भी आएगा, ये इससे बोले गेट लास्ट एंड हाइड्रोजन इज माई फ्रेंड, हाइड्रोजन मेरा दोस्त है तुम यहाँ से जाओ, तो ये बहुत ही प्यारा सा रिएक्शन है टूएचएल प्लस ओ टू, तो दिस इज वन ऑफ द रिएक्शन फॉर यू कैन से दैट द ऑक्सीजन गैस इज गोइंग टू बी इवॉल्व, जीनॉन डाई क्लोराइड का रिएक्शन जब होता है तो मैंने हमेशा समझाया कि जीनॉन गैस एलिमिनेट हो जाती है, ऑक्सीजन गैस निकल जाती है, और फ्लोरिन, क्योंकि फ्लोरिन हमारी ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन का रिएक्शन अगर मान लो आपने पानी से कराया तो ये जाके हैंडसम हाइड्रोजन से बोलेगी यू आर माय फ्रेंड, लेट अस गिव तलाक टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को तलाक दे दो, व्हाट इट, इसने कर दिया तलाक, तो यू आर सिंसियर देन वी आर ऑलवेज विद यू, व्हाट इट, तो हमें ध्यान देना है कि हमारी सिंसियरिटी रहे और हमारे जो टाइम है अलॉटेड है उस टाइम को हम अच्छे से यूज कर पाएं, तो रेगुलर रिविजन क्लासेस चल रही है, कोई प्रॉब्लम आने पर अलग बात है, तो अभी ये टाइम है हम इसमें कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, इसके बाद वाला ध्यान देना बेटा, ये रिएक्शन मैंने निकाल दिया, इसको थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करो, वो क्या निकाल दिया, एस कैन यू टेल मी, जीनॉन के क्लोराइड को पानी में डालते तो क्या होता है, याद करके रखना, जीनॉन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, और एचएफ वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, व्हाट इट, जीनॉन का डाई क्लोराइड में प्रॉब्लम आती है, इसके बाद HCF4, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रिएक्शन में डिसप्रोपोर्शनेशन फिर से हो गया, HCF4 की हाइड्रोलाइसिस, नया केमिकल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर हाइड्रोलाइसिस, ना यहां पे कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से रिएक्शन होता है, 12 वस्तु से रिएक्शन होता है, आप अगर बुक देखोगे तो आपको मिलेगा उसमें जीनान भी बनता है, जीनान का ट्राई ऑक्साइड भी बनता है, और HF भी बनता है, ऑक्सीजन भी बनता है, वाओ सो मेनी प्रोडक्ट, मतलब धमाका हो गया ऐसा सब, चलो
आपने इसको इसमें डाला, तो ये जब प्लस फोर में होता है ना, तो प्लस फोर से एक तो जीरो में जाता है, फिर प्लस सिक्स में जाता है। दिस इज नोन एज एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज, सेम एलिमेंट गॉट रिड्यूस। अगर मैं देखूं कि आप प्लस फोर में, बेटा कहाँ चला गया, प्लस सिक्स में, जीरो में चला गया, तो सेम एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। एम आई करेक्ट नेहा, सुबेद, क्लियर मंजू? डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन से बोलते हैं ना, सेम एलिमेंट अंडर गोज इन ऑक्सीडेशन। इधर से इधर देखोगे इसका क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि प्लस सिक्स में गया, इसका क्या हुआ, रिडक्शन, रिडक्शन। तो ये हमें 12 H2 है, 24 H हो गया, 24 H बनेगा, 6 HCl4 हो जाएगा, देन एक्स कितना बनाओगे, जल्दी बनाओ, 4 X3 6 हो गए, 12 ऑक्सीजन है, हमने यहाँ 6 ले लिया है, CO2। इसको बैलेंसिंग अगर किसी को चाहिए तो फिर उसके लिए हमें अलग से कराना पड़ेगा। अभी हम एक कॉमन फॉर्मेट में लिखते रहे गॉट इट, फिर आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सिखा देंगे अगर किसी को बैलेंसिंग चाहिए। अगर आपके यहाँ पे 70 में 70 की रहती है तो उसमें बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान देना। 6 2 12 और 4 2 24 ध्यान से देखना है। अगर सिक्वेंस ना बदला जाए तो 6 यहाँ पे 12 है, मल्टीप्लाई बाई 2 का इवेंट आ रहा है, ऐसे याद करो बेटा यहाँ 4 है, 4 देन 2, फिर इन दोनों को सिक्वेंस बदल 24, लास्ट वाला 3 इसको याद कर लेना, इसको अलग से रख लेना, 4 से 6 2 4 2 24, नॉर्मली 24 के लिए 2 4 24 होता है, ऐसे देखो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 ऐसे याद हो जाएगा। और यहाँ पे चिन्हों को गैस के एलिमेंट्स में अगर डायरेक्टली बैलेंसिंग करना है तो ऐसे याद कर लो, 6 2 जा 12, 4 2 जा 24, 4 2 जा 8 होता है, लेकिन लिखने का तरीका याद करने का 4 2 24 है ना, यू विल गेट रेस्ट, यू विल गेट ऑक्सीजन गैस, गॉट इट? यहां तक डन हो गया बेटा, ऐसे यहां तक डन हो गया। इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है लेकिन वो आसान है, इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट भी है लेकिन इजी है, दैट्स नॉट यू नो टफ, वेरी इजी। नेहा, नेहा को आवाज आ रही होगी, जिसका जैसे फुल तैयार है, तो वी आर गिविंग यू नो सेट अप सम एंथोसाइट्स अलोंग विद द सैंपल पेपर, ओके? अगर आपको ये आता है तो हम मान लो यहाँ से जो बस जाती है उसमें से लेना चाहो उसमें से ले लेना, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। अगर आपको कॉपी में प्रैक्टिस करके लिखना है, हम इस क्वेश्चन को लिखना चाहते हैं, कितनी रेंज में लिखेंगे, कितना आंसर होगा, टू प्रैक्टिस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, दैट यू कैन डू, गॉट इट? आप उसको आराम से कर सकते हो। तो जिसको भी करना होगा वो तो एक रिक्वेस्ट डालेगा, यू विल मेक द ईयर, यहाँ पे हम अरेंजमेंट करके रखेंगे, आप जब भी आओ या किसी को भेज देना, बस से कलेक्ट करना चाहते हो तो बस ड्राइवर या कंडक्टर को दे देंगे, वहाँ से ले लेगा। चलो यहाँ पे मैं बोल रहा था ये लास्ट वाला है बेटा, इसकी ये इजी है, इसको बहुत ही प्यारा सा है, इसको ध्यान से देखना, एकदम इजी है, जीनोम के हेक्साफ्लोराइड कैटालिसिस का, ध्यान से देखना कैसे इजी है बेटा। जीनोम का जो हेक्साफ्लोराइड है इसके घर में 6 प्रोटीन है, व्हाट इज 6 क्लोरीन, वी आर एडिंग वन मोलर एसिड, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे देखो, दो हैंडसम हाइड्रोजन और दो क्लोरीन की दोस्ती करा, दो हैंडसम हाइड्रोजन और दो क्लोरीन की दोस्ती कराओ तो क्या हो जाएगा, 2HF निकल जाएगा, और इस ऑक्सीजन की ना इसके घर में एंट्री करा देना, तो ये बहुत ही प्यारा सा रिएक्शन, बहुत ही इजी है। अभी यहां पे तुम्हारे पास 6 क्लोरीन था, 6 में से कितना गया होगा यहां पे, 2 चला गया बेटा, बचेगा कितना, 4 जीनॉन ऑक्सी टेट्राक्लोराइड, गॉट इट? जीनॉन ऑक्सी टेट्राक्लोराइड, HCF6 को अगर 1 मोल ऑफ वाटर से कराओगे जीनॉन ऑक्सी टेट्राक्लोराइड बन जाता है, ऑक्सीजन टेट्राक्लोराइड, कैन एनीवन मेक एनी कमिंग इस रिएक्शन में जीनॉन का क्या हुआ, क्या ये रिडक्शन रिएक्शन है या ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, कैन एनीवन मेक एनी कमिंग प्लीज, एनीवन? चलो अच्छे से ले लेते हैं, अच्छे कमेंट करें, दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जल्दी जल्दी फास्ट, नो ध्यान से देखो क्यों नहीं है, हाँ इधर भी प्लस सिक्स है, इधर भी प्लस सिक्स है बेटा, ये
ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने के पहले हमेशा ध्यान देना कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है। दो फ्लोरिन का ही और ऑक्सीजन आ गई तो नॉन मेटल की तो काउंटिंग सेम ही है, डाइवेलेंट ऑक्सीजन आ गई। तो इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। की क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि जिनान के फ्लोराइड में जिनान HCF2 का तो रिडॉक्स होता है, HCF4 का रिडॉक्स होता है, HCF6 की हाइड्रोलाइसिस में कोई रिडॉक्स नहीं होता। अभी मैं दूसरा लेने जा रहा हूँ बेटा, ये भी बहुत प्यारा सा मैथमेटिकल रिएक्शन है HCF6। अगर मैं यहाँ पे मान लो क्या ले लूँ 2H2, यहाँ पे देखना तो 2-2 जब हो रहा है हाइड्रोजन, यहाँ से 4 फ्लोरीन को मिलाएगा, लेट्स गो एंड हैव यू नो मेक फ्रेंड्स से भी टीचर ने 4H बन गया, और यहाँ से अगर मेरा -4 क्लोरीन चला जाए बचा कितना, तो ऑक्सीजन को प्यार से यहाँ भेज देना इसके घर में। तो ये हमारे पास HCO2F2 बना लेगा जिनान, इसका नाम था जिनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड 4 क्लोरीन में टेट्राफ्लोराइड, ये हो जाएगा जिनान डाई ऑक्सी एंड डाई फ्लोराइड और एक प्लस हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर 4 2 टू जा 4 या 4H बना लेना। अगेन इट इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, मैंने आपको बोला कि जिनान की पेंटेक्सा फ्लोराइड में +6 इधर भी रहता है +6 इधर, इट इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। कोई कंडीशन नहीं चाहिए, नाइदर हीटिंग, केवल पानी डालना है, बस नहला देना है ना, स्विमिंग पूल में डालो ना मानेगा। अब लास्ट अभी भी तेरा पूरा नहीं आया है, जिसके घर में 6 फ्लोरिन थी, 6 की शादी करानी है, अभी तक 4 लोग आया, 4 की शादी हो गई, 2 भी बचे हुए हैं, कहता है सब पूरे करा दो, पूरे का कराना है तो 3 मोल H2 ले लो, 3 मोल अगर मिला तो 6 हाइड्रोजन, पूरे पूरे हैंडसम हाइड्रोजन इसकी फ्लोरिन से धोती कर लेने, ऑल 3 ऑक्सीजन इज गोइंग देयर टू मेक जिनान ट्राईऑक्साइड, राइट, जिनान ट्राईऑक्साइड HCO3 सॉलिड होता है, और ये बना लेगा मेरे पास 6HF6HF सॉलिड आज प्लस। यहाँ तक क्लियर हो गया, किसी का डाउट हो तो पूछ लो। 1 मोल H2O में हमारे पास 2HF, एक ऑक्सीजन का एंट्री होगा, 2 में 2 का एंट्री कराएंगे, 3 में 3 का एंट्री कराएंगे, फिर इसके बाद आता है कि हाउ यू कैन राइट, यू नो हाउ यू कैन राइट प्रिपरेशन ऑफ जिनान हेक्साफ्लोराइड बाय एनी अल्टरनेटिव मेथड, इतना कर लो। देयर इज वन अल्टरनेटिव मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ जिनान टेट्राफ्लोराइड, जिनान हेक्साफ्लोराइड, यहां तक सबने डन कर लिया। अब मैं पूछता हूँ, उस पर थोड़ा सा कुछ कर लेते हम लोग, एस स्टार्ट द टेलिंग द आंसर। जिनान हेक्साफ्लोराइड का अगर 1 मोल ऑफ H2O से रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, 1 मोल H2O। HCF6 का रिएक्शन अगर आपने 1 मोल H2O से कराया तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, HCF4 बनेगा। वेरी गुड, हमारे पास 2 हाइड्रोजन से भी 2HF निकला। सोबित बताएगा इफ देयर इज 2 मोल ऑफ H2O देन व्हाट विल हैपन, इफ देयर इज 2 मोल ऑफ H2O एंड HCF6 देन व्हाट विल हैपन। सोबित गिव अ रिस्पांस क्विकली, 2 मोल ऑफ वाटर है एंड जिनान एक्स जिनान हेक्साफ्लोराइड, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, मंजू कैन यू रिस्पांस क्विकली, HCF2 HCO2F2 बेटा, अगर हम 2H2O ले लिए तो ध्यान से देखो, 2H2O मतलब 4 हाइड्रोजन है, 4 फ्लोरीन निकल जाएगा, HCO2F2 HCOF2 ऐसे याद करो, 1 मोल में HCOF4, सेकंड वाले में एक ऑक्सीजन बढ़ेगा, 2 फ्लोरीन, हर स्टेप में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऐड होता है, 2 फ्लोरीन हमारा हट रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हर स्टेप में देखो ऑक्सीजन यहाँ पे आ रही है, फ्लोरीन यहाँ से जा रही है, ऑक्सीजन का वेलकम करना है, फ्लोरीन को हटाना है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है ना, तो 1 मोल ऑक्सीजन अगर आती है तो वहां से 2 फ्लोरीन हटता है, एक ऑक्सीजन का एंट्री 2 फ्लोरीन यहाँ से रिप्लेस, यहाँ पे देखो 2 मोल हमने ले लिया, 2 ऑक्सीजन की एंट्री होगी तो 4 फ्लोरीन यहाँ से डाल देना, कितना हटाना है वो हाइड्रोजन की काउंटिंग चेक कर लेना, 2 एंड सब हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन माइनस करना है, ऑक्सीजन वहां ऐड करना, 4 हाइड्रोजन का 4 एचएफ हटाएंगे, 2 ऑक्सीजन डालेंगे, HCOF4 HCO2F2 HCO3 जिनान ट्राईऑक्साइड हमारा फाइनली प्रोडक्ट बनेगा बाय द कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। इसको मैं मिटा दूं सारा, ये के सारे के सारे आयन सॉलिड होते हैं, पानी में डालने के बाद इनकी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो जाती है, ये पार्शियल दो स्टेप पार्शियल का ये कंप्लीट का, तो तुम्हें दिया रहेगा रिएक्शन में कि 1 मोल H2 है 2 मोल H2 है या
थ्री मोल एस टू है, वी कैन डू द सिंपली रिएक्शन। एक अलग से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से लिखना बेटा, व्हाट हैपेंस व्हेन, ऐसे आता है तीन लॉग में, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन। व्हेन पहला रिएक्शन दे देगा Xc F4 प्लस O2F2, ये जनरल रिएक्शन है O2F2, इसको कंप्लीट करना है। सेकेंड Xc F2 प्लस PF6, थर्ड Xc F6 प्लस सोडियम क्लोराइड और पोटासियम क्लोराइड। सारे रिएक्शन पे कॉन्सेप्ट लगा के करना है, सारे रिएक्शन में अपना कॉन्सेप्ट लगाना बेटा। पहले वाले का ध्यान देना, इसमें इसमें ये एक कॉमन इसमें दिमाग में लगाना है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा वो ज्यादा आयनिक होता है, वो हमेशा क्लोरीन डोनेट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान देना। ऐसे लगता है कि जिसके पास ज्यादा वो देता है, लेकिन यहाँ पे कहानी उल्टी है। अगर आप थोड़ा सा भी फजान सूत्र जानते हो, फजान सूत्र ये कहते हैं कि द एलिमेंट, सिंगल नंबर का चेक कर लो कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 में है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4 में है। एलिमेंट विच इज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज मोर आयनिक। नहीं समझ में आया नेहा, कैन यू मेक इट क्लियर, बताओ बेटा इन दोनों में कौन ज्यादा आयनिक होगा, जिनान का टेट्राफ्लोराइड के O2F2। नेहा आर यू नो एस एनीवन, ये मैंने बोला ये टॉपिक पूरे फिल्म लैब में चलता है, डी लैब में भी चलता है। अगर आपको कोई भी एलिमेंट बेटा दिया जाए और आपको उससे बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट दे दिए जाए, जैसे मैंने बोल दिया मान लेंगे एम वो है प्लस टू माइनस टू, फिर एम टू थ्री मैंने लिख दिया प्लस थ्री माइनस टू, फिर मैंने लिख दिया एम फोर टू यहाँ लिख दिया प्लस फोर या माइनस टू, व्हाट इट। मैं इन सारे में अगर तुमसे पूछूं कि सबसे ज्यादा आयनिक कौन है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज मोर आयनिक। क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन परमानेंटली, अगर वन आर टू इलेक्ट्रॉन इवेंट हुए, बट अगर किसी एलिमेंट की बात करूँ, फोर इलेक्ट्रॉन, फाइव इलेक्ट्रॉन, सिक्स इलेक्ट्रॉन, सेवन इलेक्ट्रॉन का, इज वेरी डिफिकल्ट। तो अगर हमारे पास दो एलिमेंट के कंपाउंड है, एक्स एंड वाई, दो कंपाउंड हमारे पास यहाँ दिए गए, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है उसको हम मोर आयनिक मानते हैं, लेस कोवेलेंट मानते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होती है उसकी साइज घट जाएगी, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होगा, आयनिक नेचर कम होगा। ये कॉन्सेप्ट फजान स्कूल का है और ये हमें यहाँ पर ध्यान देना, जिसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हमेशा यहाँ पे डोनेट करता है। ये बोलेगा कि मेरी क्लोरीन तुम ले लो, मेरे को क्लोरीन से छुटकारा दे दो, ये बना लेगा HCl6 प्लस O2 गैस। व्हाट इज इस केस में, देखो इन दोनों में चक्कर बेटा, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, इसका प्लस 2 में, इधर देखना चाहिए आपका PF5, ये प्लस 5 है। आप बताओ कौन देगा, तो कहता है जिसका कम है ना वो इट इज मोर आयनिक, क्योंकि लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन का करने के लिए पॉसिबल है, इट इज मोर आयनिक, ये मोर आयनिक होगा, इट इज मोर कोवेलेंट, नॉन मेटल नॉन मेटल ऑब्वियसली है, और प्लस 5 है, इट इज मोर कोवेलेंट। जो कोवेलेंट होता है वो लेता है, इसके पास बैटन डी ऑर्बिटल होता है, अगर आपको थोड़ा भी कॉन्सेप्ट मालूम है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3d, तो ये क्लोराइड आयन यहां से देगा, एक क्लोरीन देगा, ध्यान देना इस पे एनसीईआरटी का रिएक्शन है, HCl, दो क्लोरीन था, एक क्लोरीन देने का यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, फिर PF6 नेगेटिव हो जाएगा, PF6 नेगेटिव। लास्ट वाले में सोडियम का क्लोराइड ज्यादा आएगी क्योंकि अल्कली मेटल का है बेटा, ये इधर चला जाएगा। तो दिस इज द लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर, Na प्लस HCl7 माइनस। ग्रुप 18 का ये लास्ट रिएक्शन मैंने आपको लिखा है। पहले हमने जिनान क्लोराइड्स की प्रिपरेशन कर ली, फिर हमने जिनान क्लोराइड्स की हाइड्रोलाइसिस कर ली, फिर लास्ट में हाउ वी कैन यूज जिनान क्लोराइड एज क्लोरीनेटिंग एजेंट और एल्कली क्लोराइड्स एज क्लोरीनेटिंग एजेंट। तो जिनान का क्लोराइड क्लोरीनेटिंग एजेंट तब होता है जब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर होती है। अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल द एलिमेंट इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज मोर आयनिक दैन द अनदर एलिमेंट हैविंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वो क्लोराइड आयन डोनर का काम करता है, दूसरा एक्सेप्टर का काम करेगा इन सारे केस में। तो एक मॉलिक्यूल हमारा इसमें लेवाइस एसिड है, एक मॉलिक्यूल लेवाइस बेस होता है। अगर कॉन्सेप्ट किसी को डाउट है तो पूछ सकता है इसमें, है ना, PF5 है,
मैंने आपको बताया था पी एफ फाइव में, इसके बाद वैकेंट भी आर्किटर होगा तो ये फ्लोराइड आयन देगा। फ्लोराइड आयन के पास क्या रहता है, लोन पे लिगेंड्स या लोन पे जैसा मानते हैं कि अपना यहाँ डोनेट करके पी एफ सिक्स बना देता है। आपने यहां तक डन कर लिया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर, लेट अस गो विद द स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर में से इस साल आपके पेपर में क्वेश्चन पक्का आएगा, हर साल आता है, इसलिए आप इसके लिए एकदम अलर्ट हो जाओ। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये इसलिए याद करने वाले हैं। थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया, जो उसके पास नंबर ऑफ फ्लोराइड्स कम होंगे उस एलिमेंट का सेंट्रल मेटल जो होगा उसका ऑक्सीडेशन कम होगा, वो ज्यादा आयनिक होगा। जो ज्यादा आयनिक होगा वही फ्लोराइड आयन डोनेट करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर एक, पहचान सुन सभी एक्सपेक्ट कर सकते हो वैसे भी। अब इसके बाद जो आने वाला क्वेश्चन इस साल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर 2021 द बोर्ड, यू नो दैट इज द ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ XCA, structure XCF2, XCF4, XCF6, XCOF4, XCOF4, XCF3, रेयर केस में कभी कभी XCOF2 पूछा जा सकता है। इन सारे फ्लोराइड्स के स्ट्रक्चर आपको मुंह पे मतलब रटा रहना चाहिए। तो फर्स्ट केस में जाना, अब इसमें ध्यान देना बच्चे से गलती कहाँ होती है कि दिनांक भूल ही जाता है कि लोगों को ऐसा नंबर होंगे। सबसे पहले तो अपने को पकड़ना है कि नोबल गैस का एलिमेंट है, बेटा अगर इसका नोबल गैस एलिमेंट है तो इसके बैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब मैं बोलूँ इसके बाद दो क्लोरीन है तो दो क्लोरीन से इसकी फ्रेंडशिप करा दो, मैंने करा दिया। किताब इसके पास सब लोन के कितने आ गए, वन, इसे तो आंसर लोन के, इसे तो थर्ड लोन के अकॉर्डिंग। इसके बाद नंबर ऑफ एंड निकाल लो, नंबर ऑफ लोन पे प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग आइटम, लोन पे कितने थ्री, सराउंडिंग आइटम कितने टू, इसका हो गया फाइव। तो हाइब्रिडाइजेशन मस्ट बी एस पी थ्री डी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा एस पी थ्री डी। अब इसकी जियोमेट्री अगर मेरे से कोई पूछता है, जियोमेट्री का मतलब लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स का अलाइनमेंट होगा, दैट इज टीबीपी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसकी जियोमेट्री होगी। लेकिन सेप ऐसा नहीं होगा, सेप इज गोइंग टू बी लीनियर, सेप इज गोइंग टू बी लीनियर। इतना कर लो तो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, सेप इज गोइंग टू बी लीनियर। ये पार्ट आप लोगों को अच्छे से आता भी है, दैट्स नॉट इट। देखिए सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर हियर, पुट हियर जिनान। अब आप पहले तो इसकी प्लानिंग करो कि ज्योमेट्री कैसी, टीबीपी, टीबीपी का मतलब हमारे पास ये प्लानिंग होनी चाहिए। ट्राइगोनल आप इक्वेटर में पहले तीन बना दो, तीनों पे क्या करो, ये तीन नोड पे रख दो, दैट विल फॉर बेटर, यू नो, ऐसे करके बी ज्यादा नोड पे ऐसे दो। अब हम क्या करें, एक्सियल पोजीशन पे क्लोरीन को डाल देंगे, तो फाइनल जो एक्टिविटी आएगी वो यहां से आएगी, दिस इज गोइंग टू बी 180 डिग्री, और यहां से यहां तक आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर रहे हो, दैट्स व्हाई इट इज अ लीनियर शेप। लीनियर शेप ऑब्वियसली इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बट जिनान का फ्लोराइड हमारा, जिनान का फ्लोराइड हमारा लीनियर शेप में आएगा। सबको बन गया, दिख रहा है स्ट्रक्चर एवरीवन? एस हो गया बेटा? यस सर। चलो ये अब इतना अगर आपने लिख दिया कि ये क्वेश्चन आएंगे हमारे पास 1-1 मार्क्स पे, बहुत ही कम टाइम में फटाफट इसको लिख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला है। तो मैं इसको बोलूंगा ऐसा ना हो कि आप पेपर देने चले गए और आपके टॉपिक नहीं आता। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एक्सी अप्रोच का बना बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन का कोरियल एरिया है बच्चे, कितने बेटा लोन पे इसमें आ गए, दो सराउंडिंग एटम कितने आ गए और नेट कितना आ जाएगा, एंटी वैल्यू 6। अब अगर 6 होती है तो हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए 6 होने पे बेटा ये होगी, क्या सिचुएशन होगी आपका एटम की, दिस इज द ज्योमेट्री, इसका ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी ऑक्टाहेड्रल, इज इट, हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp3 d2, तो भी टोटल हमारे पास 6 आ रहा है, बट द सेफ हमारा अभी देखते क्या आएगा। आउट ऑफ दिस 6 पोजीशन देयर इज 2 लोन पेयर, बेटर टू कीप द लोन पेयर एट एक्सियल पोजीशन, है ना, एक्सियल पोजीशन पर रख देंगे तो देयर विल बी एट 180 टू ईच अदर, रेस्ट चार जो क्लोरीन है उनको कमान को बेटा इक्वेटर पे कीप देम ऑन द इक्वेटर, और दिस विल बी द फाइनल, यू नो, फाइनल सेफ, दिस इज द, यू नो, रेस्ट
इसका स्क्वायर, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। मैं बोलूंगा आप जहां पढ़ाई करते हो वहां पे सारे स्ट्रक्चर्स को ना आप बना के लगा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आने ही वाला है। डी ब्लॉक को तुम ऐसे कर सकते हो कि सारे स्ट्रक्चर एक बार बना लो, सारे जो इंडेक्स और एग्जाम्पल के क्वेश्चन हैं उनको अलग से समराइज कर लो। ऐसे भी पढ़ सकते हो, जनरल प्रिपरेशन के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम अलग से लिखवा देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं यही कराऊंगा, आपको सारे स्ट्रक्चर में एक साथ करवा दूंगा। लकली नहीं मीन्स ये एस्योर्ड है, पेपर का जो पैटर्न है, पैटर्न ये है कि दो नंबर में स्ट्रक्चर आता है जनरली, उसके बाद इंटेक्स और टेक्स्ट, इंटेक्स के क्वेश्चन और एग्जाम्पल के क्वेश्चन आते हैं आज ही। जनरल जो प्रिपरेशन है चाहे 15 ग्रुप की हो, चाहे 17 ग्रुप की हो, चाहे 16 ग्रुप की है, रीजनिंग क्वेश्चन दे आर वेरी लिमिटेड। एंड आई विल टेल यू द मतलब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कैसे करना रहेगा, किस क्वेश्चन में क्या सोचना रहेगा, क्या जवाब देना है उसके लिए इम्पोर्टेंट। इसके बाद हमारा रहेगा एक्सी एफ एक्सी, इसके बाद बोलो कौन सा एक्सी एफ सिक्स। एक्सी एफ सिक्स में हमारे पास देखना क्या होना चाहिए, एक्सी एफ सिक्स का जो स्ट्रक्चर आता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इज गोइंग टू फॉरगेट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज योर कि जिनान के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने बोला इस टॉपिक में आते ही दिमाग में क्लिक होना चाहिए, जिनान के पास एक इलेक्ट्रॉन है आउट ऑफ एट। अब नाउ सिक्स क्लोरीन इज देयर, वी हैव सिक्स क्लोरीन, ऑल आर नोबल है, हम पहले तो छह क्लोरीन से फ्रेंडशिप करा लेंगे, सिक्स क्लोरीन को छह इलेक्ट्रॉन दे दो एक बच जाएगा। लोन पेयर इज गोइंग टू बी वन, सराउंडिंग मेटल इज गोइंग टू बी सिक्स, मुदसन एन इज इक्वल टू सेवन आ जाएगा। Not six, 90% बच्चा six लेके स्ट्रक्चर बना देता है, that is a mistake. Seven है, अब देखो seven जब होती है तो how you can plan it? Seven अगर हमें बनाना है तो आप क्या करो, बेस में ना एक पेंटागॉन बना दो और पेंटागॉन बना के एक ऊपर एक नीचे डाल दो। आपको बेसिकली ऐसे बनाना चाहिए, मतलब पेंटागॉन एक रेगुलर पेंटागॉन बना दो, ऐसा करके रेगुलर पेंटागॉन बना के एक ऊपर एक नीचे, दिस इज द पॉसिबल सिचुएशन फॉर अस। ये हमारी पॉसिबल सिचुएशन पेंटागॉनल बाई पिरामिडल। एन इज इक्वल टू सेवन पे अगर मैंने से कोई ज्योमेट्री पूछता है तो ज्योमेट्री का मतलब लोन पेयर्स का जो अरेंजमेंट हो कैसा होगा, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, दैट इज गोइंग टू बी पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। लेकिन आपसे बेसिकली क्या पूछेगा, सेफ, आपसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट टू बी द सेफ एंड हाइड्रोजन तो सेफ हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड आपका है क्योंकि वन ऑफ द पोजिशन इज गोइंग टू बी ऑक्यूपाइड बाय द लोन पेयर। ये मान लो मैंने ऐसे ले लिया छह क्लोरीन एक ऊपर एक नीचे बढ़े और किसी एक पॉइंट पे आपने यहाँ पर लोन पेयर रख दिया। अभी लोन पेयर का रखता है ना ऊपर वाले बांड को नीचे वाले बांड पे ना दोनों को ना टेढ़ा मेढ़ा कर देता है, जो एकदम एग्जैक्टली 180 डिग्री जाना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं रहेगा ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, तो इसलिए जो सेफ आता है ना डिस्टॉर्टेड ऑक्टेट कहलाता है। This lone pair is going to repel into these two axial bond pairs. Axial bond pairs को अगर हम repel कर देते हैं, तो ये final तो safe होगा ना, थोड़ा ऐसा distorted दिखाना, distorted करके ऐसे करके, distorted आपका angle। और हम यहाँ पे एक lone pair ऐसा रख लेते हैं। Seems to be आपका angle, but not exactly आपका angle, क्योंकि bond हमारे जो ऊपर वाले थे, दोनों टेढ़े हो चुके हैं। डिस्टॉर्टेड का मतलब बिना है ना, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल डिस्टॉर्टेड का मतलब जो ऊपर का जो एक्चुअल पार्ट था परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, नीचे वाले भी परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा बेंड कर देना, इटैलिक कर देना। और इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज द एक्सीओ थ्री, तो आप बना लोगे आसानी से। एक्सीओ थ्री में जिनान के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने बार बार समझाया, आउट ऑफ दिस 3 इंटू 2 कितना होगा 6 इलेक्ट्रॉन, और डाई बैलेंस आने के सारे हैं 3 आप बांड बना दो ऐसे करके, यू विल गेट ओनली 1 लोन पेयर, पुट द जिनान इन सेंटर लाइक दिस, यू नो जिनान ट्राइऑक्साइड, दिस इज द पिरामिडल, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू नो दिस इज द पिरामिडल ऑन द हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 only one lone pair and three surrounding atom, one lone pair and three surrounding atom hai, hybridization ho jayega sp3 and shape is going to be the pyramidal, shape is going to be the pyramidal, bonding mein bologe ki ammonia se match karta hua dikhega hai na, ammonia ka kitna hota 107 ke aas pass, ye agar theta agar pe puchta hai
nearly 107 degree near to the ammonia. The same is parameter, geometry is rectangle. Next XCOF4. XCOF4 में XC यहाँ पे बैठा रहेगा, ऑक्सीजन है 4, क्लोरीन 4 प्लस 2 6, यानी कि 1 लोन पेयर है. लोन पेयर एक आ गया, लोन पेयर एक है, सराउंडिंग मेटल कितने बेटा 5, सम करो 6 आ जाएगा. 6 होने पे फिर से तुम्हारे पास जो कंडीशन हो आफ्टर एंडल ऐसे मिलेगी, यू विल थिंक दैट कि योर मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी आफ्टर एंडल, बट ऐसा होगा नहीं. वन ऑफ द पोजीशन इज गोइंग टू बी ऑक्युपाइड बाय द लोन पेयर and another position is going to occupy by the oxygen atom. Axial position, center में जिनाल करते हैं, एक pyramid बनाएंगे ऊपर की तरफ से, ऐसे करके, one pyramid from upper side, ऐसे करके, है ना? तो pyramidal का मतलब, एक आपको ऐसे बनाना है, इसके ऊपर ऐसे करके, सारे corners से इसको connect कर दो, pyramidal shape हो जाएगा. The shape is square, square pyramidal. Square pyramidal. Now, best of luck for you all, you know. And Payal, can you tell me that, you know, XCF6 का shape क्या होगा बेटा? What will be the shape of XCF6? Distorted octahedral. Very good, very good. Just please, what you do, it's my request to you all, you know, the homework भी मान लेना. As क्या करना है, P block के सारे structure को दो पेज में draw करके जहाँ आप रहते हो ना, जहाँ पढ़ाई करते हो वहाँ सामने लगा लो, क्योंकि इस chapter से structure important है. उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लो, प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पीडीएफ के अगर हम पढ़ लेते हैं तो यू आर गोइंग टू गेट फुल आउट ऑफ फिल. मैं आपको बोलूँ ये 7 से 8 नंबर का चैप्टर है. डीएनए ब्लॉक आपका हो जाएगा कितने नंबर का, 6 मार्क्स, नियरली 6 मार्क्स, 6 + 8 = 14. एक अच्छा पावर बैंक है, नंबर बैंक मान सकते हो. और ये हम ब्लॉक ख़त्म करेंगे, हार्डली मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन लगेगा, तो हम कोशिश करेंगे कल 1-2 लेक्चर और लेंगे तो पी ब्लॉक खत्म हो जाएगा. कल हम सिखाएंगे आपको ग्रुप 60. हाँ बोलो सर. वो क्वेश्चन करवा दो जो मैंने व्हाट्सएप किया आपको. आई एम गोइंग टू विद दैट यू नो न्यूमेरिकल नाउ. एक मिनट, आई एम जस्ट ओपनिंग द व्हाट्सएप. केमिकल का नमस्कार. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर. अच्छा अच्छा, आज कहीं जा रहा है क्या? अच्छा अच्छा, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं सर, फिर हाँ कल ही कर लेंगे. ठीक ठीक. कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? अरे ऐस कहाँ गई तू? बोली इनका दिख रहा है अभी. ठीक है, ये तू अपनी अटेंडेंस भेजी है, सबका मैंने बोला लिख के भेज देना. चलो ठीक है. यस सर. इन सारे का नाम भी लिख देना जो जो था. ये तुम्हारा था स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का बेटा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ यस सर. और आपको निकालना है एवरेज रेट बिटवीन द टू टाइम इंटरवल. तो जब देखो एवरेज रेट ऑफ टाइम, फर्स्ट पार्ट हो गया था, सेकंड में डिफिकल्टी आ रही है कैलकुलेशंस में. कैलकुलेट द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर. हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर. चलो मैं बता रहा हूं, म्यूजिकल एस्टर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर में हमें क्या है, तुम्हारे पास एक छोटी सी टेबल दी है, उसमें टाइम इंटरवल दिया है, 0 है, 30 है, 60 है, वैसे तो 90 है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर इज गिवन, एस्टर इज गिवन लार्जेस्ट लेवल 0.5, 0.31, 0.17, लास्ट में है 0.085. व्हाट इट
कुछ टाइम इंटरवल है, कुछ मॉडल कंसंट्रेशन दिया है। अगर मेरे को रेट कांस्टेंट निकालना है, कहता था बेटा रेट कांस्टेंट, तो पहले तो ध्यान देना है कि सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो बेसिकली कांसेप्ट होता है आपको अगर मालूम होगा कि ये बेसिकली हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर है, कि एस्टर प्लस वाटर की हाइड्रोलाइसिस करके हम क्या बनाते हैं, एल्कोहल एंड एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है शुरुआत में हम बोलते हैं दोनों पे डिपेंड करता है, एक्टिव मास ऑफ एस्टर प्लस एक्टिव मास ऑफ वाटर दो। यहाँ पे क्या रहेगा, के रहेगा, इसको तुम के के डैश मान लो, निकालना हमें के डैश। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वाटर की जो पोलरिटी है ना वो कॉन्स्टेंट है, ध्यान देना, ये जो वाटर है ना ये एक्सेस में रहता है, नहीं अगर एक्सेस में रहेगा तो सेकंड ऑर्डर का काइनेटिक्स कन्वर्जन हो जाएगा, ये एक्सेस में रहता है तो हम इसकी पोलरिटी को कॉन्स्टेंट मानते हैं। उसके लिए याद करके रखना प्योर वाटर की पोलरिटी कितनी होती है, प्योर वाटर की पोलरिटी बेटा होती है 1000/18, कितनी होती है 1000/18 यानी 55.56। ये हमेशा सीडो फर्स्ट ऑर्डर अगर एस्टर का है तो ये हमेशा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। ये तो हमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना है, बड़े प्योर वाटर की जो मोलरिटी है, प्योर वाटर की मोलरिटी विल बी काउंटेड एज ए कॉन्स्टेंट। प्योर वाटर की मोलरिटी को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, आज इतना नोट कर लिया। यस सर। अब हमारा जो बेसिकली इसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, रेट इक्वल टू हो जाएगा के डैश इनटू 55.56 इनटू एक्टिव मास ऑफ एस्टर मॉलिक्यूल। यहां से ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ओबे करना शुरू करते हैं, इन दोनों को कांस्टेंट को नया कांस्टेंट के मान लेना बेटा, दैट इज द यू के हम निकालेंगे अभी, यहां पे एस्टर की पावर 1 यहां से बड़े। अब आपको क्या निकालना है, ये के निकालना है, तो के निकाल दो। के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बोलो 2.303 बाई टाइम इंटरवल इनटू लॉग इनिशियल बाई आर नॉट बाई आर टी इस इक्वेशन पर लगा दो। इसको लगाते हो तो के इक्वल टू हो जाएगा 2.303, टाइम इंटरवल ले लेना 0 से 30। अगर के निकालना रहता है तो वैसा ही 30 - 0 30 हो जाएगा इनटू लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 0.55, फाइनल कंसंट्रेशन कितना 0.31, तो 30 - 0 का इंटरवल 30 हो जाएगा। अब लॉग 0.55 डिवाइडेड बाय 0.31 इसका वैल्यू निकालना है। निकालो लॉग में इसका सॉल्यूशन निकालो कितना आएगा, 0.55 डिवाइडेड बाय 0.249 ओवरऑल जो सॉल्यूशन आएगा। अप्रॉक्सिमेशन में अगर जाए तो हम इसको देख सकते हैं ऐसे कि लॉग 55 डिवाइड बाय 31 थोड़ा सा कम ज़्यादा करना चाहो तो ये हो सकते हैं ना, कि यहाँ पर इसको हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसको घटा दिया, इसको 56 कर दिया, इसको 30 कर दिया, 30 डाल दिया हमने, 3 का 3 और 3 और ये 2 3 8 nearly 24 6 1.86 log 2 nearly 0.3 आता है, जो आंसर आ रहा 0.24 एग्जैक्टली द आंसर इज 0.24। इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन है, इसको लॉग निकाल देना log a माइनस log b करके, इसका सॉल्यूशन आ रहा है 0. द सॉल्यूशन इज गोइंग टू 0.24 व्हाट इज। अब इसको मल्टीप्लाई करो 2.303 इनटू 2.303 0.57 आ जाएगा, 0.5734 डिवाइड बाई 13 0.0019 क्या देख सकते 1.9 × 10⁻²।
उसमें वाटर का ये जो क्वालिटी ना इंक्लूडेड रहता है, इसी को हटा देना। ठीक,